नमस्कार, का फिर स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। एक बार फिर से हाजिर हैं हम हर रोज की तरह आज फिर से देश विदेश की 20 बड़ी खबरों के साथ। राफेल सौदे से दो हफ्ते पहले अंबानी ने फ्रांस के रक्षा अधिकारियों से की थी मुलाकात। इंडोनेशिया की पुलिस ने पूछताछ में इस्तेमाल किया सांप, मांगी माफी। चीन और अमेरिका में तनातनी, मिसाइल विध्वंस भेज करके तनाव भड़काया। अबू धाबी में बना रहा पहला हिंदू मंदिर, अप्रैल में रखी जाएगी आधारशिला, पीएम मोदी का है अहम रोल। फ्रांस का इटली से बढ़ा तनाव, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार वापस बुलाया राजदूत। फेसबुक ग्रुप ने महिला पत्रकारों पर की अभद्र टिप्पणी, फ्रांस के मीडिया में बवाल। चीन में पांडा के बड़े बारे में गिर गई बच्ची का वीडियो वायरल। मानव तस्करी का शिकार हुए मेक्सिको के 43 निवासियों को कनाडा पुलिस ने कराया आजाद। वेनेजुएला में विपक्षी नेता जुआन गोर्डो की आय के संबंध में जांच शुरू। इजराइल को ईरान को धमकी, क्रांति की आखिरी वर्षगांठ भी हो सकती है। किशोरी की हत्या के बाद इजराइल से फिलिस्तान को दी जाने वाली राशि रोकने की कसम खाई। माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल कॉम्पिटिशन के फाइनल में 3 भारतीय टीम शामिल। लोकसभा में उठा अमेरिका में अर्जी यूनिवर्सिटी केस में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी का मामला। तालिबान से शांति वार्ता के प्रयासों के बीच अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिकी शीर्ष अधिकारी। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक बड़े सौदे पर किए हस्ताक्षर। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रत्ती भर शर्म नहीं है, इन्हें सरकार चलाए। चीन ने कहा मेरी जमीन है, अमेरिका ने एक मिनट में निकाल दी सारी हैकरी और भेज दिए दो युद्ध पोत। पाकिस्तान की परमाणु ताकत हासिल करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम, कहा पाकिस्तान जनरल ने। डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी, अमेरिका में फिर से काम बंदी हुई तो डेमोक्रेट्स होंगे जिम्मेदार। थाईलैंड की राजकुमारी प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए अयोग्य उम्मीदवार। तो ये थी देश दुनिया की विदेश की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हम, हर रोज हाजिर होते हैं। देखते रहे हमारा न्यूज चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।